3D स्क्रैप टेक्नोलॉजी जो किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर आपको देखने को नहीं मिलती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर कंपनी आपको 10 ईयर की वारंटी वॉश मोटर और 5 ईयर की वारंटी स्पिन मोटर की दे रही है, जो किसी भी कंपनी के वॉशिंग मशीन के अंदर आपको नहीं मिलती है। तो और देखते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर और कौन कौन से एडवांस से आपको टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो चलिए चलते हैं मशीन की ओर। तो फ्रेंड यह आ जाती है वर्लपूल की वॉशिंग मशीन, जिसका मॉडल नंबर आ जाता है SXL। यह सिंगल कलर के अंदर आपको मिल जाती है। कलर की बात की जाए तो यह ग्रे कलर के अंदर आपको मिल जाती है। और स्टार रेटिंग की बात की जाए तो यह मशीन जो है 5-स्टार रेटिंग आपको मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको लीड मिल जाती है। ये लीड को आपको साइड में हैंग करनी होती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यह आता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश टब, और यह आता है इसके अंदर 3D स्क्रब टेक्नोलॉजी। जिस समय इसमें कपड़ा रोटेट होता है क्लॉक एंटी क्लॉक, उस समय कपड़ा जो है बार बार जो है इससे रगड़ खाता है, जिससे कपड़ों की जो वॉशिंग क्वालिटी होती है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो अदर वॉशिंग मशीन होती है उसमें केवल नॉर्मल पल्सेटर होता है, बट जो ये पल्सेटर आता है वर्लपूल का 3D पल्सेटर के साथ आपको मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कपड़े की जो स्क्रबिंग होती है वो बहुत अच्छी आपको मिल जाती है। उसके अलावा इस वॉशिंग मशीन के अंदर एक यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है, लिंट फिल्टर। ये कपड़ों पर जो धूल मिट्टी होती है उसको टोटल ही कलेक्ट कर लेता है, यानी कि जो कपड़ों पर जो लिंट वगैरह रह जाता है उसको टोटल जो कलेक्ट कर लेता है। या फिर आप इसको आप नल के पानी से साफ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये दोबारा यहाँ पर लगाना होता है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है 2 ब्रश लगे हुए हैं, जैसे अगर कपड़े के बाजू वगैरह में अगर थोड़ा बहुत मैल वगैरह रह जाता है तो आप कपड़े को यहाँ पर स्क्रब कर सकते हैं यहाँ पर आराम से। चलो अब बात करते हैं स्पिन टब की। याद आता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर स्पिन टब, स्पिन टब भी देखते हो तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको स्पिन टब का। और स्पिन टब में अगर जो है होल्स वगैरह देखते हो तो बड़े बड़े आपको होल्स मिल जाते हैं, जिससे कपड़ा जो है आपका 80-90% इसके अंदर आपको ड्राई मिल जाता है। और एक आपको इसमें एक मैनुअल बुकलेट मिल जाती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है कि स्पिन की कैप मिल जाती है, जिससे में आप कपड़े इसके अंदर आप ड्राई करते हो तो आपको कपड़े के ऊपर से जो है स्पिन कैप को लगाना होता है, जिससे कि जो कपड़े वगैरह होते हैं छोटे कपड़े वो ऊपर ना आए। और एक ये मिल जाता है आपको इनलैंड पाइप, जिस समय आप वॉशिंग करते हैं वो आपको वॉश करते समय आपको यहाँ पर ये नल पर आपको अपनी मशीन पर कनेक्ट करना होता है। और उसके बाद जो है ये जो दूसरा सिरा होता है पाइप का वो आपको नल पर कनेक्ट करना होता है। अब बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको जो है 5 वॉश प्रोग्राम मिलने वाले हैं, जैसे कि डेलिकेट है, जेंटल है, नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस है, स्टेन वॉश। या आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नाजुक कपड़े वॉश करने हैं तो आप डेलिकेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर जेंटल है जो डेली यूज करते हो, जेंटल हो गया, नॉर्मल है, नॉर्मल प्लस। उसके अलावा इसके अंदर स्टेन वॉश, स्टेन वॉश में जैसे बेडशीट हो गए, चादर हो गया, कंबल वगैरह आपको धोने हैं तो आप स्टेन वॉश का इसमें प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इस वॉशिंग मशीन के अंदर यह आ जाता है इसमें टाइमिंग, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और उसके अलावा ये मिल जाता है आपको ऑटो सॉक टाइमिंग मिल जाता है, जैसे कि हम रात को बाल्टी में कपड़े भिगाने के लिए डाल देते हैं, भिगने के बाद जो कपड़ों का जो मैल वगैरह होता है वो फूल जाता है। उसके बाद जो मशीन है सेम उसी तरह काम करती है, अगर आप सॉकिंग पर लगाते हैं तो मशीन जो है धीरे 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 घूमते हुए यहाँ आ जाती है। उसके बाद जो कंटिन्यू अपना स्पीड पकड़ना चालू कर देती है, यानी कि क्लॉक एंटी क्लॉक वॉश करना चालू कर देती है। उसके अलावा ये आ जाता है इसमें ड्रेन करने के लिए, जैसे कि अगर आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं उसके बाद आपको ये बटन को घुमाना होता है, जैसे कि आप ये बटन को टर्न करते हो तो पानी होता है वॉश टब का वो टोटल जो होता है वो ड्रेन हो जाता है। उसके अलावा यह आ जाता है इसके अंदर स्पिन, जैसे अगर आपको कपड़े ड्रायर में अगर आपको ड्राई करने हैं या स्पिन करने हैं तो आपको ये जो बटन है ये आपको 5 मिनट या 10 मिनट की टाइमिंग पर लगाना होता है, और उसके बाद जो आपका कपड़ा होता है वो टोटल ही ड्राई हो जाता है, यानी कि 80-90% इसके अंदर आपका कपड़ा जो होता है ड्राई हो जाता है। इसके अलावा इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है ऑटो रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो रिस्टार्ट का जो बेनिफिट आपको मिल जाता है कि जैसे कि अगर आप 10 मिनट की टाइमिंग लगाते हैं या 15 मिनट की टाइमिंग लगाते हैं तो लाइट जाने के बाद जो है मशीन जो है वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है और वहीं से ही रिस्टार्ट होती है, जिससे क्या होता है कि जो वॉशिंग मशीन में
जो है एनर्जी की जो होती है वो सेविंग होती है। उसके अलावा जो है इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है हार्ड वाटर का ऑप्शन दे रखा है, जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन में अगर आप बोरिंग के पानी या खारे पानी में अगर कपड़े वॉश करते हैं तो बोरिंग के पानी और खारे के पानी में की जो मशीन है वो 20% जो है बेटर परफॉर्मेंस देने का काम करती है। उसके अलावा इसमें लिखा है 10 स्टेन रिमूवल, ये जो मशीन होती है ये 10 प्रकार के दाग धब्बे निकालने का काम करती है, जैसे चाय हो गया, केचप हो गया, कॉफ़ी वगैरह के जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी निकालने का काम करती है। उसके अलावा इसके अंदर है बजर, जैसे कि अगर कपड़े वॉश वगैरह होने के बाद जो है मशीन जो है बिप करना चालू कर देती है टिक टिक करके। उसके अलावा जो है ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ पैनल, उसके अलावा जो है इसका जो पैनल दे रखा है पूरा ये वाटर प्रूफ पैनल के अंदर दे रखा है। जैसे कि क्या होता है कि हम बारिश के टाइम पर जैसे मशीन वगैरह को बालकनी वगैरह में रखते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी वगैरह पैनल में जाने से मशीन पर अर्थिंग आने का चांस रहता है, बट जो है इसका जो पैनल है पूरा वाटर प्रूफ पैनल दे रखा है जिससे अर्थिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है। उसके अलावा जो है कंपनी आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है आपको 10 साल की जो है वारंटी दे रही है वॉश मोटर की और 5 साल की आपको वारंटी दे रही है स्पिन मोटर की। अब बात करते हैं इस वॉशिंग मशीन के अंदर मोटर पावर की, जो इस वॉशिंग मशीन है इस वॉशिंग मशीन के अंदर जो है कंपनी आपको 490 वाट की मोटर दे रही है वॉश मोटर, और जो है स्पिन मोटर की बात की जाए तो स्पिन मोटर जो है कंपनी आपको 150 वाट की दे रही है। तो फ्रेंड आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि होम अप्लायंस से रिलेटेड वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद।